हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम मट्ठे के आलू बनाएंगे या फिर कहें आलू की कड़ी। तो उसके लिए मैंने आलू को उबाल लिया है। उबालने के बाद छील के मोटा मोटा सा मैश करके ले लिया है। मोटा मोटा ही मैश करें कड़ी बनाने के लिए। लेकिन फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक तरफ एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाला है। सरसों के ऑयल में कड़ी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा चटकने के बाद मैंने कुछ दाने मेथी के डाले हैं और मेथी भी मेरी चटक चुकी है। 1 पिंच हींग डाली है और थोड़े से कड़ी पत्ता डाले हैं और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के मिक्स करेंगे। और इसमें मिक्स करने के बाद जो आलू हमने मैश करके रखे हैं उन्हें डालेंगे। और डालने के बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल के पका लेंगे। पानी डालेंगे और जब एक साइड पकने के लिए रख देंगे और एक साइड हम अपने दही को रेडी करेंगे। गैस का फ्लेम है, थोड़ा लो कर दें। और ये देखिए, मैंने घर पे ही दही बनाया है। कितना गाढ़ा गाढ़ा सा दही बन के रेडी हुआ है। तो हम इसे कढ़ी बनाने के लिए मथे के रेडी कर लेंगे, क्योंकि दही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो पानी डाल के हम इसे मथेंगे। मट्ठे की तरह इसे हम बना के रेडी करेंगे। तो देखिए, मेरा जो दही है मथ के रेडी है, कितना स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। और इसमें हम पानी डाल के पतला कर लेंगे, मट्ठे की तरह बनाएंगे हम। तो देखिए, मेरा जो मट्ठा बन के रेडी हो गया है। एक तरफ रख देंगे। तो एक कटोरा लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच बेसन डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें गांठे ना रहें इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ही पेस्ट बनाएं। अगर आप बेसन डाल के बनाएंगे मट्ठे के आलू, तो जो मट्ठे के आलू हैं वो फटेंगे नहीं, क्योंकि मट्ठा डालने के बाद जो है सब्ज़ी है वो फटने लगती है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिक्स करेंगे और एकदम पतला सा पेस्ट बना के रेडी करेंगे। एक तरफ देखिए, ये मेरी जो आलू की सब्ज़ी है एक तरफ पक रही है, इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। और इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था मट्ठा का, वो डाल देंगे। और डालने के बाद मिक्स करेंगे। आप जितना पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें और मट्ठा भी ऐड कर दें। तो देखिए, इतना पतला होना चाहिए कि कलछी पे ये रुके नहीं, क्योंकि ये जब पकेगा, जब पकते पकते ये गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए, मेरे जो है मट्ठे के आलू हैं पकना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये फटने के चांस रहते हैं। तो देखिए, इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से लें। हमने 1.5 चम्मच नमक लिया है। और अब हम गैस का जो फ्लेम है मीडियम लो कर देंगे और पकने देंगे। तो देखिए, पकते पकते 20 से 25 मिनट हो गए हैं। हमारे मट्ठे के आलू हैं, जो आलू की कढ़ी है, तो पक चुकी है। और देखिए, ये मलाई है जो बन के रेडी हो गई है। और जो कढ़ाई थी ऊपर तक भरी थी, वो भी लगभग 1/2 इंच खाली हो गई है और मलाई बन गई है। इसका मतलब है हमारे जो मट्ठे के आलू हैं या आलू की कढ़ी है, जो वो बन के रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। तो देखिए, मेरे मट्ठे के आलू या आलू की कढ़ी बनके रेडी है। आप भी बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।